एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मतलब कि चैप्टर नंबर सेवन में अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया गया है सेवन पॉइंट वन एग्रीकल्चरल इनपुट जो भी लगेगा क्रेडिट लगेगी फर्टिलाइजर लगेगा वो कंप्लीट हो गया है सेवन पॉइंट टू फूड ग्रेन मैनेजमेंट हो गया उसमें एफ और आपका जो पी रिफॉर्म सब कुछ हो गया है सेवन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग उसके अंदर ए का और नया वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको ई नाम से कनेक्ट कर दिया जाए वो भी कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो गई एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 7.4 पॉइंट फोर इसमें स्वाइल हेल्थ कार्ड स्कीम और उसके अपडेट्स जितने सारे थे सारे कंप्लीट हो गए और एक न्यू वीट की वैरायटी आई है आई ए आर आई द्वारा वो कंप्लीट कर लिया गया फिर हमने किया था यहाँ पर सेवन पॉइंट फाइव में लैंड रिफॉर्म लैंड रिफ़ॉर्म में एक्विजिशन पोलिंग लीजिंग और जो डिजिटाइजेशन होती है लैंड रिकॉर्ड की और किस तरह के लैंड रिकॉर्ड होते हैं सारा डिस्कशन हो गया है देन सेवन में अलाइड एग्रीकल्चर था अलाइड एग्रीकल्चर जनरली आपकी दूसरी मिनिस्ट्री था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज डेयरी लाइवली जो आपके लाइव स्टॉक का मिनिस्ट्री है वो वाला तो ये फिशरीज़ भी हो गई डेयरी सेक्टर भी हो गया लाइव स्टॉक भी हो गया वाइट रिवॉल्यूशन भी हो गया बी कीपिंग ही हो गई और बी की जो सोसाइटी होती है यू सोसाइटी है ना वो भी हो गया एंड एडिबल ऑयल डिफिसियंसी जो हो रही है और पाम ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन सॉरी जो इम्पोर्ट है और जो आपका मलेशिया के साथ कन्फ्लिक्ट था कैसे रिजोल्यूशन में सब कुछ कम्प्लीट हो गया अब इसी में जो नेक्स्ट सेक्शन है एग्रीकल्चर में वो आपका है फूड प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग में आपको पढ़ना है बस मेगा फूड पार्क और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको फूड प्रोसेसिंग में डाल दिया लेकिन वो अदर एग्रीकल्चर न्यूज़ में है तो एक्चुअली वो आपका सेवन पॉइंट एट है एग्रीकल्चर के न्यूज़ जो बाकी सारे रह गए तो फूड प्रोसेसिंग भी कर लेंगे मतलब मेग, मेगा फूड पार्क भी जो है इसी वीडियो में कर लेंगे और एग्रीकल्चर के जो बाकी न्यूज़ हैं जो पूरा समअप करके वो भी कर लेंगे तो ये दोनों करने के बाद ये दोनों सेक्शन करने के बाद जो हमारा एग्रीकल्चर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा लेट्स स्टार्ट विथ फूड प्रोसेसिंग सेवन सेवन फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है आपने क्रॉप बनाया सब्जी बनाई मतलब मान लीजिए कि आपने टमाटर पैदा किया है ना अब उस टमाटर को क्या है प्रॉब्लम कि आप बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते आप गरीब किसान हो कोल्ड स्टोरेज तो आपके पास है नहीं लेकिन अगर आपके आसपास में ही कोई आपके खेत के आसपास में मैं फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री बना दूँ या कोई वहाँ से कलेक्ट करके ले जाए और जिले के लेवल पर मान लीजिए कि सारे किसानों का टमाटर वहाँ पर जो है उसका जो भी होता है टोमेटो जूस वगैरह जो भी होता है मुझे नहीं पता चटनी वटनी जो भी आती है आपकी टोमेटो केचप वगैरह वो बना दें ये जो स्टेप हुई नॉर्मल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना उसी को फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं इसके फायदे हुए कि नहीं एक तो आपको स्टोरेज करने की इतनी क्षमता नहीं थी वो आपको क्षमता मिल गई क्योंकि आपका तुरंत सामान खरीद लिया गया अब उस पर प्रोसेसिंग चल रही है अब एक बार केचप बन गया वो तो सालों साल चलेगा और अगर आपको एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी डेट के बाद खाना है तब तो चार साल बाद खाओ आप आपकी मर्जी है तो फूड प्रोसेसिंग एक अच्छी चीज है दूसरा इसमें वैल्यू एडिशन हो गया तो उसकी कीमत बढ़ गई तो फार्मर को भी अलग से जो है कीमत मिलेगी तीसरी बात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवा सकते हो उसमें एक केचप की कंपनी है किसान वो ढेर सारे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि आप जो है सारा आपका जो आएगा माल मेरे पास आएगा पहले से ही प्राइस फिक, फिक्सिंग हो जाएगी तो कल को जैसे आपके वहाँ पर हुआ था मध्य प्रदेश में कि लोगों ने जो है पूरी ट्रक पलट दी थी मंडसौर में कि हमारा टमाटर जो बिक नहीं रहा तो वैसी कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि प्राइस तो पहले ही फिक्स हो गई तो फूड प्रोसेसिंग अच्छी चीज़ है कि नहीं है बताइए ले, है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज नई इंडस्ट्री लगाना तो इसमें कई स्टेट आगे हैं और मोस्ट स्टेट जो हैं आपके पीछे ही हैं न्यूज़ में क्या है रिसेंटली अवंती मेगा फूड पार्क जो है देवस में बना मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में इसकी बहुत प्रॉब्लम है जो मंडसौर वाला भी प्रॉब्लम था मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में आपको पता ही है उज्जैन अवंती वाला पुराना कैपिटल उसी के नाम पे देवस में उसी नाम को ध्यान रख के पुराने जो नाम है उसको ध्यान रखकर अवंती अवंती याद भी रह जाएगा अभी इसीलिए क्योंकि पुराने नाम पे है आपके एंशियट इंडियन सिविलाइजेशन थी अवंती में उज्जैनी में मतलब अवंती मेगा फूड पार्क जो है अच्छा उज्जैन और आप जो है उन्नाव इनको अलग तरीके से याद रखें ना उन्नाव आपके उत्तर प्रदेश में है उज्जैन आपके मध्य प्रदेश में है अवंती मेगा फूड पार्क आपके मध्य प्रदेश में बनाया है देवस ज़िले में है ना मध्य प्रदेश के वहाँ इनाग्रेशन किया गया वो अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में इंडिया का फर्स्ट फूड पार्क बनाया गया है अगर आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ देखिए ये देवस है ठीक है उज्जैन के बिल्कुल बगल में है ना तो देवस में ये फूड पार्क बनाया गया है उसके आसपास अगर आप देखना चाहें तो इंदौर देखिए बिल्कुल बगल में है तो देवस कहीं ना कहीं थोड़ा मालवा वाले रीजन में पड़ेगा यहाँ पर पड़ेगा है ना तो ये एरिया जो है देवस बिल्कुल इंदौर और उज्जैन के बगल में है यहीं पे सेंट्रल इंडिया का पहला फूड पार्क बनाया गया है इसीलिए फेमस हो गई अवंती मेगा फूड पार्क इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 थाउजेंड एट द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एलॉन्ग द इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन फ्रॉम माई फूड क्या होता है ये यहाँ पर मैं खाली अवंती मेगा फूड पार्क की बात नहीं कर रहा आई एम टॉकिंग अबाउट मेगा फूड पार्कस ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में टू थाउजेंड एट में यहाँ होता क्या है मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग फूड पार्क है तो यहाँ जाके आप जो खाना खाने मत लगना दिस इज अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ द फूड ठीक है तो फूड प्रोसेसिंग की जाती है यहाँ पे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाते हैं कोल्ड स्टोरेज बढ़िया जो है फूड uh, प्रोसेसिंग के केमिकल मेथड जो है फिजिकल मेथड सब कुछ इंटर रहेंगे और एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन होती है मतलब फार्म से लेके मार्केट तक क्लस्टर बेस्ड बेस्ड अप्रोच होता है मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है मान लीजिए मान लीजिए आपका ये है पेप्सिक वाला कहीं कुछ एक एग्जाम्पल ले लीजिए उनके मान लीजिए कि कोई चिप्स हैं लेस वगैरह अब हो सकता है कि उनको चिप्स के लेस बनाने में खाली टोमेटो की जरूरत सॉरी पोटैटो की जरूरत ना पड़े हो सकता है उनको थोड़ा बहुत जो है उसमें टमाटर भी डालना हो मान लीजिए मिर्ची डालनी हो थोड़ी अब क्लस्टर बेस्ट अप्र... बेस्ड अप्रोच क्या होता है एक तो ये होता है कि छोटे छोटे सेंटर बना दिए यहाँ के ढेर सारे किसान हैं सारे टमाटर सप्लाई कर रहे हैं अब एक क्लस्टर यहाँ पे बना दिया यहाँ के भी जहाँ कुछ लोग जो है किसान जो है टमाटर सप्लाई कर रहे हैं यहाँ के कुछ लोग जो है किसान टमाटर सप्लाई कर रहे हैं अब उसको मिर्ची चाहिए तो बीच में यहाँ के कुछ किसान जो है लाल मिर्ची सप्लाई कर रहे हैं कुछ जो है टोमेटो सप्लाई कर रहे हैं तो क्लस्टर बना दिए ढेर सारे और यहाँ पे उनका जो एक सेंटर होगा उसको बोलेंगे हब और ये सारे उसके स्पोक बन जाएंगे जस्ट लाइक साइकिल का होता है ना स्पोक और ऐसे कलेक्शन होगा इसके हिसाब से तो ये हब एंड स्पोक मॉडल होती है आपके मेगा फूड पार्क में यहाँ फूड प्रोसेसिंग के लिए सारा कलेक्ट करके आया वहाँ प्रोसेसिंग करेंगे वहाँ से फिर चिप्स बनाए जाएंगे तो इंटीग्रेट कर रहे हैं सारे को देख रहे हैं ना इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन वैल्यू चेन के बोल रहे हैं कल को जब किसान ने पैदा किया था तो उसकी कीमत पाँच रुपये थी प्रोसेसिंग होने के बाद पचास रुपये हो गई वैल्यू बढ़ गई तो पूरा वैल्यू चेन है वैल्यू चेन का मीनिंग यही होता है कि हर स्टेप पे किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है इसीलिए तो ग्रॉ जी भी जब मापते हैं तो आप तो वैल्यू एडेड या जो वैट लगाते हैं तो क्यों वैल्यू एडेड लगाते हैं जो आपने एक्स्ट्रा उस पर काम किया उस पर टैक्स लगाते हैं ना इसलिए बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स जी का कैलकुलेशन भी करते हैं ना ग्रॉस वैल्यू एडेड हर स्टेप पर आपने कितना वैल्यू एड किया रॉ मटेरियल को बनाया प्रोसेसिंग की तो कितनी कीमत हो गई हर के हिसाब से टैक्स लेते हैं तो उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो तो आप क्लस्टर बेस्ड बेस्ड अप्रोच भी समझ गए इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन भी समझ गए फार्म से मार्केट यहाँ फार्म है और यहाँ जो है आपके किसान के पास जो यहाँ पे हब में आया प्रोसेसिंग हुई फिर मार्केट गया ये सारा कुछ इंटीग्रेट किया जा रहा है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है जो कह रहा था वो बात आ गई ये जो मेगा फूड पार्क जो स्कीम आई थी 2008 में ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करती है तो जो स्पोक मॉडल होगा क्या होगा स्पोक है ना ऐसे साइकिल का जो स्पोक होता है याद करिए है ना हब क्या हुआ ये सेंटर में स्पोक क्या हुए यहाँ पे आपके जहाँ भी क्लस्टर वगैरह है जहाँ से आपको किसान बैठा हुआ है यहाँ पे तो स्पोक उसका पहुँचा और वहाँ से कलेक्शन सेंटर बनाया और यहाँ पे हब में लेकर आए तो ये सारे कहीं बीच में कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं तो हब एंड स्पोक मॉडल में एक तो होती है चीज़ कलेक्शन सेंटर्स होते हैं एक फिर होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं एज अ स्पोक्स एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है एज ए हब तो ये जो बीच में जो हब है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है और यहाँ जो एकदम डाउनवर्ड साइड पे कॉर्नर पे है वो कलेक्शन सेंटर है किसान का फार्मलैंड के आसपास कलेक्शन सेंटर और बीच में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर क्या हुआ टमाटर है अब वो बहुत गीला हो रहा है टमाटर है ना तो उसको थोड़ा ड्राई कर देना है ताकि उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए शेल्फ लाइफ बढ़ जाए तो प्राइमरी प्रोसेसिंग हो गया लेकिन चिप्स तो नहीं बना यहाँ पे सूखा सूखा प्याज टमाटर तो नहीं खाओगे आप है ना बीच में मसाला लगा दिया उसके कंजर्वेशन के लिए लेकिन उसको खाओगे तो नहीं ये सारे होंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर भी आपके स्पोक का पार्ट है साइकिल में भी तो बीच में रहती है ना कड़ियाँ लगी रहती हैं स्पोक याद तो करिए और मेन जो हब है वहाँ पे फाइनल प्रोसेसिंग होगी तो देखिए कलेक्शन सेंटर सबसे लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा बीच में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग की जाएगी यहाँ पर उसके बाद जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है जो हब बनेगा और कलेक्शन सेंटर और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो आपके स्पोक बनेंगे इट इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे मेगा फूड पार्क में एंड स्टोरेज नियर द फार्म इन द फॉर्म ऑफ पी पी सीज एंड सी सीज प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर एंड कलेक्शन सेंटर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्टोरेज का लगा देंगे ताकि जो है उनका सामान जो है सड़गल ना जाए कॉमन फैसिलिटीज़ होंगी इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड भी बनाएंगे उनके लिए अलग से तो कई किसानों का सामान आएगा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेंगे कोल्ड स्टोरेज में वाटर भी देंगे प्रोसेसिंग के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी आप समझ रहे हैं यहाँ पर बात को प्राइमरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज सेंटर जो है नियर फार्म बनाए जाएंगे जो स्पोक है वो फार्मलैंड के आसपास होगा ताकि सामान जो है सड़े गले ना है ना और आराम से कलेक्शन हो किसान को ज़्यादा दिक्कत ना हो दीज प्राइमरी जो आपके प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर हैं और कलेक्शन सेंटर हैं वो एग्रीगेशन एंड अ स्टोरेज पॉइंट की तरह एक्ट करेंगे टू फीड रॉ मटेरियल टू द प्रोसेसिंग यूनिट्स लोकेटेड इन सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर वही बात बार बार रिपीट करके जो कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे तो आपका स्टोरेज पॉइंट है और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पे एग्रीगेशन है मैं तो ये बोलूँ कि जो कलेक्शन सेंटर है वो एग्रीगेशन सेंटर है और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर है वो स्टोरेज पॉइंट है और फाइनली जो रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा कहाँ जाएगा फाइनल प्रोसेस होने के लिए हब में जाएगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा किसी पेट बातें ये डिमांड ड्राइविन प्रोजेक्ट है जितनी भी इंडस्ट्री को फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ेगी उतने वो यूनिट बनाएगा है ना एनवायरमेंटल सेफ्टी और सोशल स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के ये डिमांड ड्राइव इन प्रोजेक्ट है क्यों क्योंकि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ को यहाँ पर उपजाएंगे किसान प्रोसेसिंग के लिए तो प्राइस भी मिलेगी जब डिमांड ड्राइव है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है वो इसको देखता है डज नॉट इस्टेब्लिश एम ए पी ऑन इट्स ओन वो इस्टैब्लिश नहीं करता समझे मेगा फूड पार्क जो है उसको स्टैब्लिश करने वाली मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है बट असिस्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल गवर्नमेंट सीधे इन्वॉल्व नहीं होती इसके लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब एक नई तरह की कंपनी बनाई जाती है खास इसी काम के लिए और उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है और स्टेट गवर्नमेंट के जो एंटिटीज होते हैं जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं समझे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री जो है ऊपर से इनको निर्देश देगी मदद, मदद करेगी और क्या करेगी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंपनी बनेगी यहाँ पे ये काम करने के लिए फूड प्रोसेसिंग की उसको थोड़ी बहुत मदद देगी गाइडेंस देगी लेकिन मेनली जो सारा काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में या स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी एंटिटी है या मान लीजिए कोई कापरेटिव बनाया गया है वो खुद बनाएंगे अपना मेगा फूड प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट और दिवस में जैसे बनाया तो दिवस में ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो माफी है जो मिनिस्ट्री उसने बनाया नो no, बनाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल क्रिएट किया है सरकार ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बस गाइडेंस दी है मदद दिया फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड एज ग्रांट इन एड उधार देंगे कितना 50% परसेंट ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन जनरल एरियाज एंड 75 फाइव जितना भी आपका एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट है जितना भी कॉस्ट लगने वाला है आपका एलिजिबिलिटी है एक लिमिट है कि भाई जो आप इतनी तक ही कर सकते हो तो अगर आप का कॉस्ट उतना एलिजिबिलिटी में है तो उसका 50 परसेंट आपको दिया जाएगा नॉर्मल एरियाज़ में और मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट और जो आपके डिफ़िकल्ट एरियाज हैं हिली स्टेट्स हैं और एंड इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एरियाज़ जो हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एरियाज भी होते हैं कुछ ठीक है तो उस एरियाज़ में हिली स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सेवेंटी मदद मिलती है सब्जेक्ट वे मैक्मम मैक्सिमम ऑफ प्रूपज़ फिफ्टी करोड़ पर प्रोजेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ना कितना दे रही है मैक्सिमम पचास करोड़ इतनी की एलिजिबिलिटी है पचास करोड़ के ऊपर नहीं देगी गवर्नमेंट हैज़ सो फार अप्रूव फोर्टी टू मेगा पार्क हाउ एवर ओनली एट्टीन एम एफ पीज है ऑपरेशनलाइज क्यों इतना कम हो रहा है क्योंकि वन तो डिमांड ड्राइविन प्रोजेक्ट है हो सकता है कि डिमांड नहीं हो दूसरी बात सेंटर तो पचास करोड़ दे रही है बाकी तो स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा स्पेशल पर्पज व्हीकल को लगाना पड़ेगा कॉपरेटिव को लगाना पड़ेगा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना आसान थोड़ी ना है तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया फोर्टी टू लोगों की कि हम पचास करोड़ देंगे लेकिन उसमें से 18 ही मेगा फूड पार्क बने हैं याद रखिएगा ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान क्या होता है देखिए बहुत पहले का प्लान है प्रोग्राम ऑन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आई जो है एक ट्राइबल सब प्लान होता है गवर्नमेंट का ट्राइबल के लिए अलग से बजटिंग वगैरह करना टी जानते हैं ना टी टीचर वगैरह की रिक्रूटमेंट भी आता है बताऊँगा क्या होता है ट्राइबल सब प्लान के अंदर ही इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान या प्रोजेक्ट हैं इसको किया जा रहा है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और क्या करना है ट्राइबल लोगों की पॉवर्टी एजुकेशन ये सारी चीज़ों में जो है जो भी कमी है उसको ठीक करना है और ट्राइबल फैमिली का एक्सप्लोटेशन ना पा हो पाए उसके खिलाफ भी काम करना है 192 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में इनको हम लोग इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज भी कहते हैं उनके लिए जो बनाई गई हैं नाइनटीन स्टेट और यूनियन टेरीटरीज में हैं तो अभी आप ये क्वेश्चन उठता है कि यह ट्राइबल सब प्लान क्या है आखिर एक प्लानिंग कॉन्सेप्ट है ट्राइबल सब प्लान जो कि इंडिया में आया था इसलिए कि चैनलाइज करना है बेनिफिट्स का फ्लो जो हो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए हो सारे स्टेट्स में है ना मोटिवेशन क्या है ब्रिज करना है गैप जो ट्राइबल पॉपुलेशन है एक जो नॉर्मल पॉपुलेशन है दोनों के डेवलपमेंट में जो गैप है उसको ब्रिज करना है वो एजुकेशन से हो हेल्थ सर्विसेज से हो हाउसिंग के रिलेशन में हो इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ का हो या प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का हो तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसी ट्राइबल सब प्लान के अंदर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सारे स्टेट में लगाए गए हैं इसका भी जो कॉन्सेप्ट था जो ट्राइबल सब प्लान या टी का जो कॉन्प्ट था ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आया था है ना जो कि उन्नीस से उन्नीस के बीच में रहा था एंड जो इसकी शुरुआत हुई थी इंप्लीमेंटेशन सत्रह स्टेट और टू यूनियन टेरीटेज़ में आई थी देखिए एरियाज अंडर ट्राइबल सब प्लान वेर ग्रेजुअली इंक्रीज एट द एंड ऑफ द नाइन्थ फाइव ईयर प्लान ट्वेंटी थ्री स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वेयर कवर्ड एरियाज इंक्लूडेड इन द ट्राइबल सब प्लान कहाँ कैसे कैसे एरियाज होते हैं टीचर की रिक्रूटमेंट आती है ना राजस्थान वगैरह में भी आती है तो आप देखना ब्लॉक्स और तहसील जहाँ भी फिफ्टी परसेंट या उससे ज़्यादा की ट्राइबल पॉपुलेशन हो तो आपका ऐसा ट्राइबल सब प्लान वहाँ पर लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंड फ्लो होती है वहाँ पर इन एरियाज में अलग तरीके से एक्सक्लूसिव फो फ्लो होती है द प्रोसेस ऑफ टी एसपी डेवलपमेंट इज लेड बाई द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अब सेंटर ने वहाँ पे पैसे दिए बी डेवलपमेंट कैसे करनी है उसके लिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट में फिफ्थ स्कड्यूल एरिया सिक्स स्कडूल एरिया में जनरली बहुत कॉम होता है मॉडर्न प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी कितने की बनाई ट्वेंटी थ्री लाख मेट्रिक टन एंड सिक्सटी थ्री आपके प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स विद फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और टू पॉइंट फाइव जो भी हैविंग क्रिएटेड फार इन ऑपरेशनल पार्क याद रखना है क्या बिल्कुल नहीं ऑपरेशनल पार्क की कैपेसिटी कितनी होगी बिल्कुल याद नहीं रखनी है कैसा होता है ये बड़ी ख़राब सी इमेज मैं दिखाता हूँ मॉडल इसका जो होता है ये इमेज देखिए और ये इमेज देखिए वही इमेज है ना हाँ मेगा फूड पार्क का मॉडल ऐसा होता है एक तरफ आपके फार्मर ग्रुप हैं एक तरफ आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं एक तरफ इंडिविजुअल फार्मर हैं ये सारे लोगों को अलाउड है कि ये मेगा फूड पार्क के मॉडल में पार्टिसिपेट करें ये लोग प्राइमरी हैं तो उनका कहाँ जाएगा सामान चाहे वो कोई फार्मर का ग्रुप है एफ पी ओ पढ़ाया है ना डिटेल में मान लीजिए फार्मर का ग्रुप है एफ पी ओ या मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है कॉपरेटिव टाइप का या कोई इंडिविजुअल फार्मर भी है उसको लगता है कि वो अकेले पार्टिसिपेट करें इस मेगा फूड पार्क मॉडल में तो कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं ढेर सारे तो फार्मर ग्रुप का कलेक्शन सेंटर में गया सामान वहाँ से प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में चला गया सिमिलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी कलेक्शन सेंटर में जाएगा फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा सिमिलरली इंडिविजुअल फार्मर के साथ भी होगा ये जो कलेक्शन सेंटर हैं और ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर हैं ये दोनों क्या होंगे हब हैं या स्पोक आप बताइए स्पोक हैं ठीक है यहाँ से जो है मेगा फूड पार्क में जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में ये क्या है ये हब है समझ गए ये इसका मॉडल है अब यहाँ से मेगा फूड पार्क में चला गया वहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर चल रहा है वहाँ पे ये है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यहाँ से बन गई आपकी चिप्स वगैरह बन गई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन गया महंगा हो गया अब वो चाहे वो एक्सपोर्ट हो जाए है ना चाहे वो मान लीजिए कि यहाँ से डोमेस्टिक सेल के लिए चला जाए एक्सपोर्ट होने के बाद जो है वो क्या बोल रहे हैं इम्पोटर के पास चला जाए फिर डोमेस्टिक सेल मतलब ये बता रहे कि विदेश चला गया विदेश से फिर जो है डोमेस्टिक सेल हो रही है ये सब जाने की ज़रूरत नहीं है एनी anyway, ये दूसरा क्या तरीका है इसमें से जो है आपके फ्रेश प्रोडक्ट निकले है ना ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं ये फ्रेश प्रोडक्ट निकले तो डोमेस्टिक रिटेल सेल कर सकते हैं कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट तो हो सकते हैं जिनकी प्रोसेसिंग नहीं करवानी है उसमें भी ये काम करेगा फ्रेश प्रोडक्ट निकले है ना फील्ड कलेक्शन सेंटर्स प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ऐसी बात हो रही है अच्छा जो प्राइमरी एक तो फील्ड कलेक्शन सेंटर होगा तो वहाँ तो कुछ खास नहीं है लेकिन प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में देखिए प्री कूलिंग करते हैं थोड़ी सी ग्रेडिंग करते हैं खराब अच्छा को बांटते हैं पल्पिंग करते हैं पल्प निकालना है ना और क्या करते हैं सॉर्टिंग करते हैं एक तरह से क्यूरेट करते हैं उसको वैक्सिंग पैकेजिंग ये सारी चीज़ें करते हैं पैकिंग करते हैं और एक टेम्प्रेरी स्टोरेज करते हैं ये सारे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में होता है तो आपके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर उसमें क्या होता है उसमें भी पल्पिंग होगी उसमें देखिए आपकी जो है हैगी सिप्टिक पैकिंग होगी एकदम जो है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना आ पाए है ना यहाँ पे आपके चैम्बर होते हैं बने हुए अच्छे से कूलिंग चैम्बर वगैरह कोल्ड स्टोरेज यहीं पे है लैब लॉजिस्टिक सेंटर सारा कुछ जो होता है आपके यही वाला जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पे होता है अब नेक्स्ट सेक्शन जो है उनको सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट टू बोल दिया गलत था सेवन पॉइंट एट बोलना चाहिए था क्योंकि मेगा फूड पार्क से तो कोई रिलेशन नहीं है फूड प्रोसेसिंग से तो एक नया चैप्टर है एक्चुअली अदर एग्रीकल्चरल न्यूज़ में ढेर सारी न्यूज़ कवर करेंगे पहला न्यूज़ है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इसमें क्या न्यूज़ आई है अब ये चाहे तो मैं तो स्लाइड रोक दूँ आप जो है खुद भी इसको ब्राउज करके स्क्रॉल करके देख लो है ना जहाँ भी रिपोर्ट इंडाई या ऐसी लिस्टिंग आई तो आपको खुद से देखनी चाहिए लेकिन मैं एक बार बोल देता हूँ कि आपके दिमाग में जो है आवाज के थ्रू थोड़ा बहुत बस जाए अलग से है ना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आई है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश केरल नागालैंड तमिलनाडु आसाम पंजाब कर्नाटका इन सारे स्टेट ने मिलकर फाइनलाइज कर लिया है स्टेट एक्शन प्लान एंड अदर स्टेट्स आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द प्लान ऑफ ए पी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो आई है उसके लिए ये जो आपके बोल्ड वाले स्टेट हैं उन्होंने अपना स्टेट का उनका क्या एक्शन प्लान होगा पूरा उन्होंने फाइनलाइज कर लिया है बाकी सारे जो स्टेज हैं स्टेट हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फाइनलाइजेशन में उनका भी धीरे धीरे हो जाएगा कि उनका क्या एक्शन प्लान होगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से स्टेट एक्शन प्लान इंक्लूड्स क्या करेंगे उसमें वो लोग प्रोडक्शन कैसे करना है प्रोडक्शन के क्लस्टर कैसे बनाने हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगाना है लॉजिस्टिक कैसा लगाना है आर एन डी कैसे करनी है बजट की रिक्वायरमेंट क्या है ताकि वो अपने स्टेट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को प्रमोट कर सकें इम्प्लीमेंट कर सकें गवर्नमेंट ने तो दे दिया कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी ऐसी है लेकिन सामान तो सारा स्टेट से आना है तो सारे स्टेट को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा तो वही एक डिस्कशन कर रहे हैं कि सारे स्टेट मिलकर ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात बहुत मज़ा आया लाल टपक गई भैया सारे स्टेट जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए एक्शन ले रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का एम क्या है रेज फार्मर इनकम बाय डबलिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हर कुछ डबल करना है दूध भी डबल करना है एडिबल ऑयल भी डबल करना है तो जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है उसको भी डबल करना है प्रेजेंटली आप कितना एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करते हो यू डॉलर थर्टी प्लस बिलियन के आसपास करते हो तो कितना डबल करोगे दो तक फार्मर की जो है इनकम डबल करनी है ना तो एक्सपोर्ट जो है वो भी डबल करना है दो तक ही वो करना है सिक्सटी बिलियन डॉलर का एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट अगर प्रोसेस्ड हो तो ज़्यादा पैसा मिलेगा एक्सपोर्ट में आपकी गवर्नमेंट की एक, एक एजेंसी है अपेडा वही इस वही जो है इसकी एपेक्स जो बॉडी है वही ये प्लान लेकर आई है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल से ए है एंड प्रोसेस्ड फूड इसके लिए पी है एक्सपोर्ट फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ई डी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी थोड़ा सा, सा मुश्किल है इसका एप्रेविएशन बट आपको फिर भी थोड़ा कोशिश करें याद करने की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है अपेडा अपेडा का फुल फॉर्म फिर से बोल दे रहा हूँ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्रौस् अथॉरिटी ये जो एपेक्स बॉडी है ये एक स्टैटूटोरी बॉडी है एक्ट से बनी है ये होता है आपके पता है आपको देख लगेगा कि हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हो नो no. जब एक्सपोर्ट की बात आ जाती है तो सारी चीज़ें आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर चली जाती हैं उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये अपेडा बॉडी है ये एक एपेक्स बॉडी है एक्ट से क्रिएट की गई है स्टेटूटोरी बॉडी है वो आपके कंट्री में एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी अपेडा है ना रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज ए डेडिकेटेड बॉडी अ अस्टेटुटोरी बॉडी हैविंग वेरी हाई पावर अपेडा एपेक्स बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंट्री एंड दैट हैज कम वेट कम अप विथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी उसके हिसाब से सारे स्टेट एक्शन ले रहे हैं फाइन इसमें क्या बताऊँ अपेडा तो बता ही दिया स्टैचुटोरी बॉडी यह दिखाई दिया अब मिनिस्ट्री किसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर बता ही दिया तो इसमें तो है विकीपीडिया दिखाने की कोई जरूरत है नहीं दूसरी बात स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एस एफ मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका आपका जो कई सारा प्लान था ई नाम वगैरह कौन चला रहा था एस एफ चला रहा था स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कन्जोर्शियम ये ऑटोनॉमस सोसाइटी है आपके कंट्री में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर उसके अंदर है ये मैंने पूरा उसके वेबसाइट से बताया तो क्या बताऊंगा आप एस एफ ए सी जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये प्रेजेंट है आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है ये उसकी पूरी वेबसाइट से बताया था तो इसका रोल क्या है एग्रेसिवली मतलब बहुत तेजी से प्रमोट करता है वो एग्री बिजनेस के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को हर स्टेट में डेवलपमेंट के लिए मदद देता है ई e नाम जो है इसी का इनिशिएटिव है इनफाय मैनेजमेंट कैसे चलती है आपके एस एफ की ये जो सोसाइटी है दिस इज गवर्न बाय सोसाइटी है ना तो इसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा तो उसको चेयर कौन करते हैं एक्स ऑफिसियो बाय यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर है वही उसको चेयर करते हैं वो उसके प्रेसिडेंट बनते हैं और सेक्रेटरी कौन होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपोरेशन फार्मर वेलफेयर का जो सेक्रेटरी होगा वो उसका एक मिनट चेयर्ड एक्स ऑफिसियो बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एज द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी कौन होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होता है सेक्रेटरी वो इसका एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट कौन बना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के ही अंदर जो है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कन्सोर्शियम एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया हुआ है ऑटोनोमस बॉडी है आपके कंट्री में एग्रीकल्चर वगैरह के डेवलपमेंट में एग्री बिजनेस बोलिए क्या है नाम है एग्री बिजनेस कंसोर्शियम उसमें जो है मदद देता है नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ इतना जो लंबा चौड़ा नाम है उसका मतलब है आई एन ए पी एच प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ नाम से समझ में आ रहा है इसको कौन डेवलप करेगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अब इसकी पूरी डिटेलिंग तो विजन में है नहीं लेकिन मैंने तो आपको पढ़ा हुआ है एन क्या है एन के फर्स्ट चेयरमैन वर्गीज कुरियन है ना क्यों किया गया था पूरे कंट्री में ऑपरेशन फ्लड लाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि जो आपके गुजरात में हुआ है खेड़ा में वो पूरे कंट्री में जो आनंद में जो हुआ है गुजरात में पूरे कंट्री में दोहराया जाए इसी के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनी थी पूरा बता दिया मैंने कैसे कैसे बनी थी एक्ट से बनी थी कि क्या बनी थी ये जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ है आई इसी इसको डेवलप किया है आपके एन ने ही ये एक आई एप्लीकेशन है इसमें रियल टाइम रिलायबल डेटा कैप्चर की जाती है एनिमल के ब्रीडिंग मतलब ऐसा नहीं कि ब्रीडिंग हो रही है फोटो खींचोगे आपको पता चलना चाहिए कि जो है एनिमल का बच्चा हुआ है नई जो उनकी जनसंख्या जनसंख्या तो नहीं बोलूंगा संख्या बड़ी है उनका न्यूट्रिशन का लेवल क्या है हेल्थ सर्विसेज़ उनको मिल रही कि नहीं मिल रही हैं वेटनरी डॉक्टर वगैरह जो उनको है उनको अवेलेबल है कि नहीं है वो किसके लिए सारे इंडिजिनस नॉन डिस्क्रिप्ट क्रॉस ब्रेड जितने भी विलायती हो देसी हो सारा जितना भी जानवर है आपका कंट्री में रियल टाइम उसका डेटा सारा ये कैप्चर करेगा ये एक आईटी एप्लीकेशन है एज वेल एज एक्जोटिक मिल्च अब जर्सी गाय आई उसका भी है एक्जोटिक मिल्च एनिमल्स डिलीवर्ड एट फार्मर्स डोर स्टेप डोर स्टेप से ये इंफॉर्मेशन लेगा ऑब्जेक्टिव क्या है टू इनेबल प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट कि पूरे कंट्री में जो है कौन कौन से एनिमल से मिल्क कितना आ रहा है पेड़ा कितना आ रहा है दूध कितना आ रहा है और सारे आपके कंट्री में कैसे कैसे एनिमल हैं सारे का एक आइडेंटिफिकेशन होगा और उनके प्रोडक्ट का भी पूरा ट्रेसेबिलिटी ट्रेसेबिलिटी मतलब ट्रेस करना समझना उसको जानना उसका पीछा करना कि भाई कंट्री में क्या क्या मिल्क प्रोडक्ट चल रहे हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पास कुछ और काम था नहीं तो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ लगा दिया अब सारे जो है एनिमल की स्टॉकिंग की जा रही है कि वो कहाँ है किसका बच्चा कितना दूध आ रहा है कितना जो उससे पनीर बन रहा है ये सारी हरकतें करते रहो बैठ के और हमें पढ़ाते रहो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स है एग्रीकल्चर का स्टैट निकलता है आपको पता ही है, सर्वे वगैरह कराया जाता है तो उसके लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस है ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट हुआ है स्टार्ट हुआ था नाइन में ये बेस्ड है कॉम्प्रेंसिव नीट फॉर एग्रीकल्चरल डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया में ही बस आपको एग्रीकल्चरल डेटा की जरूरत है पूरे वर्ल्ड में है लेकिन व्हाट इफ सारे कंट्रीज के एग्रीकल्चरल डेटा को हम एक जगह रख पाएं मैच कर पाएं समझ पाएँ तो हमें कुछ जो है जानने को मिलेगा उन्हें हमसे कुछ जानने को मिलेगा तो एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस चलाई जा रही है ग्लोबल लेवल की कॉन्फ्रेंस है 1998 से कॉम्प्रिहेंसिव नीड है हमें एग्रीकल्चर डेटा को कलेक्ट करने की अक्रॉस द वर्ल्ड हर तीन साल कराई जाती है एक साल में नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स तीन साल में एक बार कराई जाती है और इसका बेस्ड ऑन ओव आर्किर्किर्किर्किर्किर्ग नीड फॉर एग्रीकल्चरल डेटा वर्ल्ड वाइड वही बात को फिर से रिपीट एग्रीकल्चर डेटा का वर्ल्ड वाइड जरूरत है तो तीन साल में एक बार कराते हैं नाइनटीन से कर रहे हैं नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स यूपीएससी के लिए क्या यूपीएससी के लिए ये कि 2019 का जो कॉन्फ्रेंस था वो दिल्ली में हुआ था न्यू दिल्ली में मेरे घर में ही हुआ था मेरे रूम में हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज किया किसने एग्रीकल्चर है तो सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने होस्ट किया इंडिया ने और इंडिया में जो होस्ट किया जिस मिनिस्ट्री ने वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर चूंकि स्टैटिस्टिक्स की भी बात हो रही है तो थोड़ा तो स्टैटिस्टिक्स का भी रोल होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पूरा डिटेल बताया इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी भी पूरी डिटेल बताई है आपकी इकोनॉमी में वर्ल्ड बैंक इसका भी बताया है साथ ही साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स जो है बहुत पैसे कमा ली तो दान करते रहते हैं ये सारे जो इसके पार्टनर्स थे तो याद रखेंगे आप होस्ट किया इंडिया ने 2019 वाला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ये 1998 से कराया जा रहा है एग्रीकल्चर का डेटा पूरे वर्ल्ड में जो है यहाँ पे एक मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है सारे डेटा पूरे वर्ल्ड वाइड ये न्यू दिल्ली में हुआ था 2019 में इंडिया ने होस्ट किया था तो होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लेकिन साथ ही साथ में पार्टनरशिप में आपके मॉस्पी मिनिस्ट्री भी थी और इंटरनेशनल बॉडीज की बात करें तो एफ था यूनाइटेड नेशन से एशियन डेवलपमेंट बैंक भी था ए वर्ल्ड बैंक भी आया था और एक एन की बात करें तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी आया था उन्होंने सब में मिलकर ये कॉन्फ्रेंस कराया थीम क्या था स्टैटिस्टिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक करने हैं तो इस बार का ये थीम ये दिया कि ऐसा स्टैटिस्टिक सिस्टम हम डेवलप करें एग्रीकल्चर में कि एच का जो अचीवमेंट हो जल्दी हो नेक्स्ट है फर्स्ट एवर एग्रोकेमिकल ये पूरा दिख भी नहीं रहा स्लाइड में फर्स्ट एवर नेशनल एग्रो केमिकल्स कांग्रेस नेशनल एग्रोकेमिकल्स कांग्रेस ओके इट इज बीइंग देखिए एग्रीकल्चर में केमिकल की बात हो रही है केमिकल कॉन्फ्रेंस नहीं चल रहा है केमिकल कांग्रेस नहीं चल रहा एग्रीकल्चर के केमिकल को एग्रोकेमिकल बोलेंगे फर्टिलाइजर वगैरह की बात हो रही है पेस्टिसाइड वगैरह की बात हो रही है पहली बार ये कराया जा रहा है नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस मुझे तो लगता है बहुत पहले से कराना चाहिए था इसको ऑर्गेनाइज किया सोसाइटी ऑफ पेस्टिसाइड साइंस इंडिया ने इट वॉज़ फाउंड एज ए नेशनल सोसाइटी ये क्या है सोसाइटी ऑफ पेस्टिसाइड इंडिया पेस्टिसाइड साइंस इंडिया यहीं पे बता दिया इसको बनाया गया था नेशनल सोसाइटी की तरह इसका हेडक्वाटर जो है आपके इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अब सारी चीज़ें पहले पढ़ा देता हूँ तो फ़ायदा होता है आई ए आर आई पोसा आई सी ए आर ये सब तो मैंने आपको बता दिया तो वो जो आई ए आई आर है जिसने की वीट वेराइटी डेवलप की थी वो जो इंस्टीट्यूट है उसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है किसका सोसाइटी सोसाइटी फॉर पेस्टिसाइड साइंस इंडिया का एक नेशनल सोसाइटी है न्यू डेली में ऑफिस है इन्होंने पहला कंट्री का नेशनल एग्रोकेमिकल कांग्रेस कराया इजी फार्मर साइंस कांग्रेस और फार्मर भी जो है साइंस पढ़ने के लिए कांग्रेस कर रहे हैं इनोग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस जो इंडियन साइंस कांग्रेस होता है आपको पता ही है वहाँ पे फर्स्ट टाइम फार्मर साइंस कांग्रेस कराया गया उसी के प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट्स जो हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के यहाँ पे आए और तीन थीम थे उस पर डिस्कशन किया पहला तो फार्मर इनोवेशन ऑन इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एंड ऑन्टिप्रोनरशिप फॉर डबलिंग फार्मर इनकम मतलब फार्मर की जो हैं कुछ अपने इनोवेशन हो या फार्मर को इनोवेशन सिखाया जाए या कोई जो है उसको एक्सटेंशन सर्विसेज दी जाए ताकि उसकी जो फार्मर की डबलिंग हो जाए इनकम की क्लाइमेट चेंज पर भी डिस्कशन हुआ है ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोसिस्टम सर्विस एंड फार्मर एम्पावर पर डिस्कशन हुआ ये पूरा जो सेकंड वाला है क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोसिस्टम फार्मर एम्पावरमेंट पे हुआ लास्ट में एग्रेरियन डिस्ट्रेस और रूरल बायो ऑन्टरप्रीनरशिप कैसे करें इन तीन थीम पे डिस्कशन हुआ तीनों थीम याद रखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं फार्मर साइंस कांग्रेस को याद रखने की ज़रूरत है बिल्कुल हाँ कहाँ पे हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस के ही प्लेटफॉर्म पे हुआ था फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री अच्छा लगे हाँ तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है कोलकाता में है इस एसोसिएशन ने बात करें इसकी शुरुआत की तो 1914 में इसकी शुरुआत हो गई थी उस समय पर तो आपका कोलकाता ही बहुत जो लाइमलाइट में था हालांकि कैपिटल तो दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी उन्नीस में लेकिन फिर भी 1914 में कोलकाता में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन बनाया गया ये एनुअली मीट करती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एवरी ईयर इसकी मेंबरशिप है जो ऑलमोस्ट मतलब तीस साइंटिस्ट है इसमें द फर्स्ट इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुआ तो आपको याद रखना उन्नीस में ऑब्वियसली कोलकाता में हुआ था कोलकाता में कहाँ एशियाटिक सोसाइटी में एशियाटिक सोसाइटी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीआर में पढ़ना है एशियाटिक सोसाइटी को बनाया था एक सिविल सर्वेंट थे विलियम जोन्स उन्होंने 15 जनवरी सत्रह सौ चौरासी जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी एक मीटिंग हुई थी और उसको प्रिसाइड किया था रॉबर्ट चैम्बर्स ने है ना जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ वहाँ पे जो आपके फोर्ट विलियम के सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे चीफ जस्टिस थे वो थे रॉबर्ट चैम्बर्स वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी उसके बाद विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी 15 जनवरी सत्रह को उसी मीटिंग के बाद तो ये आपको याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी कलकत्ता में विलियम जोन्स ने और एक मीटिंग जो हुई थी उसको प्रिसाइड किया था रॉबर्ट चैम्बर्स ने वो आपके कोलकाता के कोर्ट के जस्टिस थे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एन में भी है तो पहली जो मीटिंग हुई थी आपके इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के 1914 में वो आपके एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में ही कराई गई थी ये बदनाम हो गई आपका जो यहाँ पे खास करके 2019 का जो इंडियन साइंस कांग्रेस का मीटिंग हुआ तो वहाँ पे काफ़ी स्यूडो साइंटिफिक का स्पीचेज है कुछ लोगों ने बोला कि जो ग्रेविटेशनल वेव हैं उनका नाम मोदी वेव कर देना चाहिए ऐसी ऐसी चीज़ें थी है ना तो थोड़ा बहुत हंगामा हुआ था इसको अटेंड करने के लिए ऐसे दुनिया भर के नोबल लॉरियट्स आते हैं अटेंड करते हैं स्पीक करते हैं आपको ये याद रखना है कि पिछला वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अच्छा ये दो वाला है वन हंड्रेड सिक्स एडिशन ऑफ़ द इंडियन साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन पंजाब फ्रॉम जनवरी तीन से सात दो हज़ार उन्नीस पंजाब में हुआ था यहीं पे जो है ग्रेविटेशनल वेव जो है उसकी बात हुई थी कि नरेंद्र मोदी वेव कर देना चाहिए किंग रावण के पास 24 तरह के जो है हवाई जहाज़ थे ऐसी बातें हुई थी ये तो वन वाला था है ना ये तो वन वाला था जो कि पंजाब में हुआ था जलंधर पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में द वर्ल्ड रिसाइड्स ईयर वन हंड्रेड सेवन्थ वाला जो था वो आपका जी के वी के कैंपस से कॉलेज है एक वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का वहाँ पे कैंपस है बेंगलोर में है ना तो कर्नाटक में वहाँ पे आपका तीन से सात जनवरी 2020 के बीच हुआ था वन हंड्रेड सेवेंथ इंडियन साइंस कांग्रेस था वो देखिए ना एग्रीकल्चर कॉलेज में कराया गया था ना एग्रीकल्चर कॉलेज में कराया गया था इसीलिए फार्मर साइंस कांग्रेस उसको बोल रहे थे हम लोग वहाँ पे इनाग्रेट किया गया जब इसको तो हमने बोला कि फार्मर साइंस कांग्रेस है ये एग्रीकल्चर कॉलेज में कराया गया था आपके कर्नाटक बेंगलोर में वन वाला था ये है ना वन वाला था नेक्स्ट इज यू यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग फैमिली फार्मिंग वाट इज़ दैट फैमिली पैदा करनी है क्या ये जो यूनाइटेड नेशन का डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग है ये 2019 से 2028 की बात है 2019 से 2028 लॉन्च किया कौन आप खुद सोचिए ना फार्मिंग की बात आ रही है तो कौन आएगा यूनाइटेड नेशन की कौन सी बॉडी मैंने आपको पढ़ाई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ लेकिन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी था ये तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो कई बार पढ़ा दिया यूएन की बॉडी एंड ऑल ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फ्रेंच में कुछ और नाम है मतलब कहीं कही ना कहीं फ्रांस से रिलेशन हो रहा है फॉन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो भी है फ़ीदा फीदा बोलेंगे फ्रेंच में और इंग्लिश में बोलेंगे आई एफ ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसका स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन का ही स्पेशलाइज एजेंसी है और इसका काम क्या है पॉवर्टी और हंगर को रूरल एरियाज़ में डेवलपिंग कंट्रीज में एड्रेस करना ओनली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेज सोलह सौ सोलरली ऑन रूरल इकोनॉमीज एंड फूड सिक्योरिटी क्या है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है फ्रेंच नाम तो दे रहे हैं लेकिन हेडक्वार्टर जो इसका रोम इटली में है तो इसको याद रखिएगा है ना इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो था एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको 1977 में इस्टैब्लिस किया गया था थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन नाइनटीन में और ये इसका मेन फोकस क्या है आपका बताइए आपको पता ही है ना वन एक एक उस टाइम पे 1974 में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहीं से निकला है ये आई इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हेड हेडक्वार्टर बताएं दिया रोम इटली में और ये भी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप जो मैं आपको पढ़ाता हूँ बार बार यू एनडीसी यू एन डी पी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप में कई सारी यूनाइटेड नेशन की बॉडी हैं एक बना के एक तरह से कहिए कि एक तरह से इंटीग्रेटिंग बॉडी है ये कई सारे जो भी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है यूनाइटेड नेशन की बॉडी तो वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप में आ जाती हैं तो आई एफ ए डी भी उसका मेंबर है आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का तो यही जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया एक डिकेड लॉन्च किया 2019 से 2028, 2019 से टू 28 उस डिकेड को क्या बोलेंगे यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग तो अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सुने तो फैमिली फार्मिंग इज़ ए मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री फिशरीज पेस्टोरल एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन विच इज मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई ए फैमिली एंड प्री डोमिनेंटली रिलायंट ऑन फैमिली लेबर ऐसी फार्मिंग सिस्टम जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो फैमिली अपने खेत को खुद मैनेज करे और वो चाहे एग्रीकल्चर हो फॉरेस्ट्री हो फिशरी हो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ हो मतलब गाय गो चराना ग्रेजिंग या एक्वाकल्चर कर रहे हो मछली वगैरह पकड़ रहे हो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कोई फैमिली चलाए तो फैमिली पर हम एक फोकस करेंगे ना फैमिली लेबर इन्वॉल्व हो रहा बाहर से मजदूर नहीं लगा रहा प्रीडोमिनेटली रिलायंट ऑन फैमिली लेबर है ऑपरेटेड बाई अ फैमिली है तो अगर हम फैमिली फार्मिंग पे फोकस करें बहुत अच्छे से तो इंडिया जैसे कंट्री का डेवलपिंग कंट्री का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा क्योंकि हमारे यहाँ क्या है सबसिस्टेंस फार्मिंग है ना हम जो खुद के लिए फूड पैदा करते हैं फैमिली के लिए फूड पैदा करते हैं बेचने के लिए कहाँ करते हैं मोस्टली नहीं तो इसीलिए फैमिली फार्मिंग पे हमने जो यहाँ पे दस साल दो से दो तक फोकस करने का निर्णय लिया है किसने फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थिंकिंग नो सूत्रा पीआईसी इंडिया प्रोग्राम क्या है ये? कट रहा होगा ना यहाँ एक मिनट अब देखिए सूत्रा पीआईसी इंडिया प्रोग्राम इसका मतलब है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्राम इंडीजिनस काउज ओम माई गॉड कुछ नहीं है गाय के दूध से जो है बढ़िया बढ़िया सामान बनाना है इंटरमिनिस्टेरियल फंडिंग प्रोग्राम है इस पर रिसर्च किया जाएगा आपकी इंडिजिनस काउ पे इंडिजिनस काउ पे लिखा हुआ है ना पी आई सी पी आई सी मतलब होता है प्राइम प्रोडक्ट्स फ्राम इंडीजिनस काउज ओनली काउज नॉट भैंस इट हैजिन प्लान विद द सपोर्ट ऑफ बोला कि इंटरमिनिस्टेरियल फंडिंग प्रोग्राम है फंडिंग प्रोग्राम है लेकिन इंटरमिनिस्टेरियल है तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है ब्रिड पे जो है ध्यान देगी साथ में आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है सी एस आई आर पूरा पढ़ा हुआ है ये सब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सारे इन्वॉल्व है तो ये जो है सी एस आई आर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं थीम है इसका देखिए आपके इंडिजिनस काउज की एक यूनिकनेस है वो वाइल्ड काउज है उसकी एक यूनिकनेस है वो कई ऐसे ड्राउट कंडीशन में रह सकता है जर्सी नहीं रह सकती प्राइम प्रोडक्ट्स जो हैं आपके इंडिजिनस काउ से उनसे आप मेडिसिन बना सकते हो हेल्थ के लिए जो है कुछ जो है न्यूट्रास्यूटिकल बना सकते हो एग्रीकल्चरल उनका कुछ एप्लीकेशन हो सकता है मेन्यूर वगैरह का अब समझ में आ रहा आपको फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योर कर सकते हो प्राइम प्रोडक्ट्स से अकाउस के जो हैं उसके कई यूटिलिटी आइटम बन सकते हैं उनके गोबर गैस से जो कि एनर्जी पैदा हो सकती है तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ गई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आ गया क्यों क्योंकि उससे जो है आप हेल्थ के प्रोडक्ट बना सकते हो मेडिसिन बना सकते हो और ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों आया क्योंकि इनका जो है फार्म प्रोडक्ट गाऊ का जो प्रोडक्ट है प्राइम प्रोडक्ट है उससे आप क्या कर सकते हो एग्रीकल्चर के अप्लीकेशन कर सकते हो तो वहाँ भी थोड़ा साइंस देखने की जरूरत पड़ेगी इसीलिए सूत्रा पीआईसी इंडिया प्रोग्राम जो है उसमें ये सारी मिनिस्ट्रीज़ और बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं ये इंटर मिनिस्ट्रियल फंडिंग प्रोग्राम है तो ये क्या करेंगे ये सारी मिनिस्ट्री जो, जो है अपने अपने हिसाब से प्राइम इंडिजिनस प्रोडक्ट फ्रॉम काउज जो है उस पर फोकस करेंगे और उसमें फंडिंग करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे फिर से सुन लीजिए साइंटिफिक यूटिलाइजेशन नाम में ये साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू वॉट रिसर्च ऑगमेंटेशन मतलब आप रिसर्च करो और उनकी क्वालिटी बढ़ाओ उनके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करो और फिर उसका साइंटिफिक यूटिलाइजेशन करो सूत्रा पी आई सी साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस कॉस्ट प्राइम मतलब मेन प्रोडक्ट है जैसे अमेजोन प्राइम होता है प्राइम प्रोडक्ट अच्छा वाला प्रोडक्ट नेक्स्ट है पी एम डिस्ट्रीब्यूट कृषि कर्मा अवार्ड्स कृषि कर्मा अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2010-11 में शुरू किए थे और इसका पर्पस ये है कि हम इंक्रेज करें लोगों को और मोटिवेट करें स्टेट्स को कि एनहांस करिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप तो स्टेट को भी प्राइस देना पड़ेगा है ना और कुछ जो है लोगों को भी प्राइस देना पड़ेगा थ्री फॉर द स्टेट को विथ एन ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज एंड मोटिवेट द स्टेट अच्छा स्टेट को ही मोटिवेट करना और एनकरेज करना है कि आप अपने स्टेट में प्रोडक्शन बढ़ाइए एग्रीकल्चर का फूड सिक्योरिटी लाइए और जो क्रॉप लगाइए तो बस प्रोडक्शन नहीं नंबर में नहीं आपको पर क्रॉप भी बढ़ाइए प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाइए साइंटिफिक इंटरवेंशन करिए फर्टिलाइजर दीजिए इरिगेशन करिए इंश्योरेंस दीजिए इसके लिए कृषि कर्मा अवार्ड दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देता है आपके स्टेट्स को दो हज़ार ग्यारह से शुरुआत की है थ्री स्टेट्स फॉर द स्टेट विथ हाइएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या है अगर ओवरऑल फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें तीन स्टेट को दी जाती है हाइएस्ट फूड ग्रेन के लिए थ्री आइडेंटिफाई कैटेगरीज में दी जाती है लार्ज मीडियम और स्मॉल प्रोड्यूसर में अब छोटा कोई स्टेट है उसका अलग कैटेगरी बनाया है नॉर्थ ईस्ट का मीडियम साइज का तो उसका अलग कैटेगरी बनाया है बड़ा स्टेट तो अलग कैटेगरी बनाया है तीनों में जो है आपको फूड ग्रेन के लिए आपको तीनों कैटेगरी में एक एक स्टेट को चुना जाएगा तो एक स्टेट छोटे में एक स्टेट मीडियम में एक स्टेट बड़े में तो तीन हो गए थ्री स्टेट्स थ्री फॉर द स्टेट्स विथ हाइस्ट फूड ग्रैंड प्रोडक्शन इन थ्री आइडेंटिफाई कैटेगरीज लार्ज मीडियम एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स अब गूगल करके देख लीजिएगा अगर एक ही कैटेगरी में तीन देने की बात होगी तो कोई भी बड़ी बात नहीं याद थोड़ी ना रखना आपको जानने की जरूरत नहीं है फाइव रिवार्ड्स वन ईच फॉर द हाइएस्ट प्रोडक्शन अंडर राइस के लिए भी देखिए वीट के लिए एक प्राइस राइस किसने सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया उसको एक प्राइस वीट के लिए प्राइस पल्स के लिए प्राइस कोर्स सेरल के लिए प्राइस और ऑयल सीड के लिए प्राइस अब मैंने तो हालांकि ये सारा पढ़ा दिया लेकिन आप कमेंट में बता सकते हैं कि राइस के लिए किस स्टेट को प्राइस मिला था व्हीट के लिए किस स्टेट को मिला था पल्स के लिए और कोर्स सेरल के लिए और ऑयल सीड के लिए इन पाँच कैटेगरी में किस स्टेट को प्राइज मिला है कृषि कर्मा अवार्ड साथ में मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पे लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए किन तीन स्टेट को अवार्ड मिला है ऑयल सीड को यहाँ पे 2013-14 में ही इंडिविजुअल क्रॉप कैटेगरी में प्राइस के लिए डाला गया उसके पहले चार ही थे राइस वीट पल्सेज और कोर्स सेरल अब ऑयल सीड पर फोकस बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हमें तो जो है आपको पता है एडिबल ऑयल की कमी हो रही है पाम ऑयल मंगवा रहे हैं तो दो हज़ार में ऑयल सीड के लिए भी शुरुआत कर दी गई है तो इस तरह से एग्रीकल्चर चैप्टर का जो है यहाँ पे इसकी जो है समाप्ति हो गई बहुत अच्छे लेक्चर बनाए हैं बहुत डिटेल बनाए हैं आपको मेंस में भी ये काम आ जाएगा मुझे लगता है ये पढ़ के चले जाएंगे तो मेंस भी आपका हो जाएगा और बाकी प्रीलिम्स में तो कुछ नहीं छोड़ा यार बहुत कुछ बताया इधर उधर से बहुत नॉलेज दिया सारी रेलिवेंट आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर नंबर एट की शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इशूज़ अब यहाँ से कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं अब कि आप खुद भी पढ़ सकते हो बट ठीक है मेरे को तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारा जल्दी कम्प्लीट करा दो जल्दी कम्प्लीट करा दो जल्दी जल्दी बहुत दिक्कत हो रही है तो हम लगे हुए पेज नंबर सिक्सटी पर आ चुके हैं एट्टी फोर कहानी खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट में मिलेंगे तो चैप्टर नंबर एट की शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इश्यूज की वीडियो पसंद आए तो देख लें नहीं पसंद आए तो ना देखें आपकी मर्जी पढ़ लें टाटा बाय बाय टेक केयर प्लीज़ आई स्टडी वेल